सो नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से श्याम एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सिक्स सेमेस्टर यानी कि फाइनल ईयर में यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग चैप्टर में लेक्चर नंबर 4 को देखेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको उससे पहले बताना चाहूंगा, अगर आपने लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे जाकर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है घरेलू जल उष्मक यानी डोमेस्टिक वाटर हीटर क्या होता है इसके बारे में बताइए। तो दोस्तों घरेलू कार्यों में गर्म जल की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। खाना बनाने में ठंडी के मौसम में जब ठंडा ज़्यादा पड़ने लगती है तो पानी को गर्म करके स्नान करने में, कपड़े धोने में आदि कार्यों में गर्म पानी की आवश्यकता होती है। पहले जब विद्युत की व्यवस्था नहीं थी तो लोग आग जलाकर पानी को गर्म कर लेते थे, लेकिन इस समय गैस, विद्युत प्लेट हीटर द्वारा, इमर्सन राड आदि की सहायता से पानी को गर्म किया जा सकता है। नेक्स्ट अब हम इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि डोमेस्टिक वाटर हीटर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, यानी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डोमेस्टिक वाटर हीटर, इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को देखेंगे। तो दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले फिगर ड्रा करना है, फिगर आपका कुछ इस तरह से फिगर ड्रा करना है, आप फिगर देख सकते हैं। मैंने बिल्कुल ईजी तरीके से सबसे पहले एक डब्बा बनाकर उसमें बिल्कुल ईजी तरीके से मैंने फिगर ड्रा करने की कोशिश किया हूँ। आप कुछ इस तरह से फिगर बनाएंगे डोमेस्टिक वाटर हीटर का, उसके बाद आपको इसकी संरचना में लिखना है कि इसकी संरचना में एक पानी की टंकी होती है जो दो लेयर से बनी होती है, दोनों लेयर के बीच इंसुलेशन मटेरियल भरा होता है जो ताप को कंट्रोल करता है। इसमें हीटिंग एलिमेंट लगे होते हैं जो सप्लाई को ऑन करने पर पानी को गर्म करने लगता है। पानी के तापमान को नियंत्रित करने के लिए थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। थर्मोस्टेट की सहायता से पानी को आवश्यकता अनुसार गर्म कर सकते हैं। जब पानी का तापमान सेट किए गए तापमान पर पहुंच जाता है तो थर्मोस्टेट सप्लाई कट कर देता है, और जैसे ही पानी का तापमान कम हो जाता है तो थर्मोस्टेट सप्लाई को ऑन कर देता है, और यह प्रोसेस लगातार चलता रहता है। तो इस तरह से आपका डोमेस्टिक वाटर हीटर काम करता है। नेक्स्ट इसका अनुप्रयोग देखेंगे, यानी कि इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि ये कहां कहां प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका प्रयोग इलेक्ट्रिक स्टोव में किया जाता है, इसका प्रयोग इलेक्ट्रिक केतली में किया जाता है, रूम हीटर में किया जाता है, वाटर हीटर में किया जाता है, इलेक्ट्रिक प्रेस में किया जाता है, हेयर ड्रायर आदि में, इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है प्रेरण तापन क्या होता है, यानी इंडक्शन हीटर क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों आपका सबसे पहले इंडक्शन हीटर दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट हीटर, दूसरा इनडायरेक्ट हीटर, जिसमें डायरेक्ट हीटर को दो भागों में बांटा गया है, हॉरिजॉन्टल कोर टाइप, वर्टिकल कोर टाइप, और इनडायरेक्ट हीटर को दो भागों में बांटा गया है, कोर टाइप, कोरलेस टाइप। जब किसी कुंडली वाइंडिंग में एसी सप्लाई दी जाती है तो इसमें परिवर्तनशील मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है जो अपने चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र में स्थित किसी अन्य वाइंडिंग में म्यूचुअल इंडक्शन के कारण एक ईएमएफ उत्पन्न होने लगता है। इसमें ट्रांसफार्मर की तरह प्राइमरी वाइंडिंग में एसी सप्लाई दी जाती है। जब गर्म की जाने वाली धातु द्वितीयक कुंडली यानी सेकेंडरी वाइंडिंग का कार्य करती है तो इसे डायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग कहते हैं, परंतु जब सेकेंडरी वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न ऊष्मा से किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तब इसे इनडायरेक्ट इंडक्शन हीटिंग कहते हैं। तो दोस्तों मैंने इतने चैप्टर को कवर किया हूँ यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चैप्टर नंबर 2 में लेक्चर नंबर 4 में, आगे का टॉपिक आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।